शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत अहंकार है ना तुझे, तो सुन ले डाकिनी, अहंकार के वृक्ष पर विनाश के फल लगते हैं। इस अहंकार ने तो दस्तर वाले रावण का भी अंत कर दिया, फिर तुम तो एक मामूली सी डाकिनी हो। काढ़ा पी लो, तुम इससे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं अंबे माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे। से तुम हमारी पत्नी नहीं, हमारी अच्छी मित्र भी हो, सबसे अच्छी। इतनी भोली सी लड़की पर कोई संदेह कैसे कर सकता है भले? कल चाहे जो कुछ हो जाए, पर हम तुम पर आज नहीं आने देंगे। ये एक पति का वादा है। जानती हूँ तुम्हें मेरी कितनी चिंता हो रही है, पर देख लेना, अंबे माँ इस चिंता की रात को सुखद सुबह में जरूर बदलेंगी। नानी सुने ना बेटा, अंबे माँ पर पूरा भरोसा रखना। याद रहे कि इसी श्रद्धा और भरोसा के बल पर सागर में सेतु बनाया गया था, और फिर एक भक्त के लिए माँ के द्वार में दीपक जलाना कौन सी बड़ी बात है। बेटी सुने ना,
आगे बढ़ो। तुम यहाँ बैठकर अपनी माँ की मृत्यु का शोक मना रही हो और वहाँ वो आफत जिसके कारण तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई वो हमें फिर से पराजित करने की तैयारी कर रही है। तो क्या करूँ मैं? अपनी माँ की मृत्यु का बदला लो और किसी भी तरह ये साबित कर दो कि वो लड़की ही असली डाकनी है, क्योंकि उसी के कारण तुम्हारी माँ और मेरी सबसे अच्छी सहेली मंदाकिनी का विनाश हुआ और अब हमें उस लड़की का विनाश करना होगा। तो बताइए रानी मां, मुझे क्या करना चाहिए? उस लड़की को खत्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी। सुनैना मंदिर की सीढ़ियों से लेकर अंबे मां के मूर्ति तक 101 दिए प्रज्वलित करेगी। यदि ऐसा करने में यह सफल हो गई तो इससे यह सिद्ध होता है कि सुनैना डाकिनी नहीं है। पूजा शुरू हो गई मासी। इसका मतलब है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपनी शक्तियों से मौसम बदल दूंगी और कनक तेज हवाओं का निर्माण करेगी जिससे वो आफत दिए जला ही ना सके। बस इतना याद रखना कि जब वो मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचेगी तब हमारी शक्तियां काम नहीं कर पाएंगी, इसलिए उसके वहां पहुंचने से पहले उसके सारे दिए बुझाने होंगे। और स्वराज, तुम अपने चमगादड़ों से कह देना कि वो बस लोगों को भड़का दें।